नमस्कार, मैं हूँ सुनीता मनोचार। सुनीता कुकिंग बेकिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पिन्नी। नॉर्मल पिन्नी नहीं है, मार्केट वाली पिन्नी नहीं है, ये मेरी चाची दादी की पिन्नी है, उनकी रेसिपी है ये। बचपन से जिनसे हम खाए, बहुत प्यार पाया, वो वाली पिन्नी बताने वाली हूँ आज आपको। मेरी वीना दीदी ने मुझको ये रेसिपी दी एग्जैक्ट, और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बोन्स के लिए, तो बनाते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में घी गरम करने वाले हैं। पिनियाँ बनानी है तो घी तो जितना भी ले लोगे चल जाएगा, क्योंकि सर्दियों में पिघल पिघल के घी बाहर ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता घी कितना डाला है, डला भी है कि नहीं। तो सबसे पहले थोड़ा सा घी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ताकि सारा एक ही बारी में मैला ना हो जाए। घी गरम करेंगे और सबसे पहले गोंद फुला कर बाहर निकालेंगे। गोंद के लिए हमें घी चाहिए मीडियम गरम, तेज़ गरम हुआ तो अंदर से सिकेगी नहीं, और अगर धीमा रहा गैस तो वो फूलेगी भी नहीं। 125 ग्राम सब मिला के मैंने घी लिया है, उसी में से ले रही हूँ मैं। कढ़ाई में घी गरम होने रख दिया है। 50 ग्राम गोंद है, 25 ग्राम बीच में मिलाऊंगी और 25 ग्राम मेरी बाद में ऊपर ऊपर लगेगी। इस बीच बाकी इंग्रीडियंट से भी आपको मिला लेती हूँ, गोंद बीच में डाल के आधी आधी करके 2-3 बार में डालूंगी मीडियम हीट पे, ताकि अंदर तक सिके, बीच में से कच्ची ना रहे, वो दांत पे चिपकती है फिर। फूल गई है ये, आराम से सिकने देते हैं अभी, ताकि अंदर कहीं कोई कनी ना रह जाए। निकालूं फिर दूसरा बैच डालती हूँ। फिर से थोड़ी सी डाल देती हूँ, ये सब निकल गई, थोड़ा सा घी दोबारा डालती हूँ। गोंद हो गई तैयार, अब मैंने लेना कमरकस, ये 25 ग्राम कमरकस है, अब इसको भूनना है। कमरकस तैयार हो गया, गैस बंद करके इसको निकालती हूँ। भून के निकाल लिया, डबल हो गया साइज में, कड़वा है बिल्कुल मेथी के जैसा। हड्डियों की ताकत के लिए, फ्रैक्चर जल्दी से रिवाइव करने के लिए, इस पर्पज़ के लिए ये। थोड़ा सा घी फिर डाला, अब मैं बादाम भून रही हूँ। एक्चुअली सब चीज़ों को अलग अलग भूनना इसलिए कि इनका टेम्परेचर जो है ना, भूनने का सबको अलग अलग चाहिए। तो बादाम तो मैं भून के अलग निकाल लूँगी, हाफ करके ऊपर से मैं लगाऊँगी गार्निशिंग में, और बाकी सारी चीज़ें मैं इसमें नहीं भूनूंगी, बाकी सारी चीज़ें मैं आटे में भूनूंगी, तो साथ साथ भी चल जाएंगी। बस जैसे ही इसमें से चटकने की आवाज़ आती है, फूले फूले से लगते हैं, बस इनको निकालते हैं, गैस बंद करके निकालूंगी। एक्चुअली गैस बार बार कम बंद करना, घी धीरे धीरे डालना, उसकी वजह यह है कि घी जलेगा तो किसी काम का नहीं है, पर घी की ताकत ख़त्म हो जाती है उसको जलाने से। अब मेरे इतने ही में मैं मखाने भूनूंगी, इतने ही में भूनूंगी, गैस थोड़ा सा तेज करती हूँ। अब मेरे पास क्या क्या बचा, 25-25 ग्राम मैंने लिए हैं सारी चीज़ें। 25 ग्राम मैंने मखाना लिया, 25 ग्राम बादाम लिया, 25 ग्राम किशमिश, 25 ग्राम चिरौंजी, 25 ग्राम खसखस। बस खसखस, किशमिश, चिरौंजी, इनको मैं आटे में भूनूंगी, इनको अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस मखाने भून के निकाल लूँगी, बाकी चीज़ें मैं आटे के साथ ही भूनूंगी फिर। बस इसको निकालते हैं, गैस करते हैं बंद।
टिश्यू से कढ़ाई क्लीन करके मैंने दोबारा से गैस धीरे से जला लिया, बचा हुआ घी डाल रही हूँ, 125 ग्राम लिया था सब मिला के, आटा डाल रही हूँ 250 ग्राम, मोटा आटा लिया है मैंने चक्की वाला, कोशिश करके मोटे आटे में बनाना, जब हम देसी काम करते हैं तो सारा काम बस देसी सा ही होना चाहिए, बैग वाला आटा बहुत बारीक रहता है, उसमें आप बनाओगे तो भी ऐसे लगेगा कि बस पिन्नी भी खाई जान भी ना आई। तो आटा लेंगे चक्की वाला, जिससे कि जो उसका हमारा फाइबर्स है, कंटेंट है जो पूरा है वो सब मिले हमें, जिस पर्पज़ के लिए बनाते हैं अच्छी चीज़ें। गैस थोड़ी देर के लिए तेज, फिर धीमे करेंगे, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर मैं इसको भूनना है ना, लगातार चलाऊंगी तब जब मैंने गैस तेज हो, मेरे को लगातार चलाना तो है लेकिन थोड़ा रुक रुक के दूसरे काम करती रहूँगी, गैस धीरे करूँगी, बॉटम पे ये लगे ना, दाग पड़े ना, वो ध्यान भी रखूँगी, साथ साथ दूसरे काम करूँगी। क्या काम करूँगी, सबसे पहले मैंने कमरकस भूना था उसको मैं मिक्सी करूँगी इस भी साथ साथ, और जो मैंने गोंद भून के रखी है उसको भी दरदरा कूट लूँगी, आधा कूटूँगी आधा ऐसे छोड़ूंगी, तो इस काम में साथ साथ धीमी आंच करके करती रहूँगी। इसमें हल्के हल्के देखा कलरिंग आ रही है, बिल्कुल धीमी आंच पे भुन रहा है ये, और साथ साथ में ये मिक्सी में वो भी पीस लिया है खड़े खड़े ही, वो भी दिखा रही हूँ आपको, कमरकस भी पिस गया। अब खरल में साथ साथ दूसरे हाथ से गोंद भी पीस लेती हूँ, ऐसे थोड़ी थोड़ी करके कूट लेंगे, देर नहीं लगती इसका काम होने में ना। 25 ग्राम के करीब गोंद भुन के पिस गई, 25 ग्राम के करीब मखाना, और 25 ग्राम हो गया कमरकस, ये तो सारे काम इधर हो गए। इस बीच मैंने क्या करना है, ये मेरा देखो आटा भुन रहा है, चेक करो आटा भुन रहा है। आटे में मैं क्या क्या डाल रही हूँ, चिरौंजी 25 ग्राम, किशमिश 25 ग्राम, खसखस 25 ग्राम, ये सब मैं आटे में डाल रही हूँ। अब आटे के साथ साथ ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। बस इसको हटा लेती हूँ मैं, कलर इसका बिल्कुल सही लग रहा है ना, मैं अब मैं मावा भूनने रखती हूँ इसको। एक पाव मावा लिया, गैस धीरे से जलाया और हल्के हाथ से भूनना शुरू करा, भूनना बस इतना ही है कि स्टेरिलाइज हो जाए, बाकी ज्यादा नहीं, क्योंकि इसी से बंधेगी पिन्नी हमारी। मावा हो गया स्टेरिलाइज, अब इसमें बाकी सारी चीजें जो मैंने पीसी थी वो भी मिलाऊंगी, और चीनी भी, ये 125 ग्राम मेरा चीनी बूरा, ये मेल्ट होने वाला है, इसमें बाकी चीजें पीसी पीसी मिला लेती हूँ। क्या क्या चीजें पीसी थी याद है ना आपको, ये है गोंद, मरकस, ये है मखाना, बाकी सब चीज़ें तो आटे में ही डाली थी ना, बस आटे वाली कढ़ाई में इसको डालती हूँ, मिक्स करते हैं फिर पिन्नी बांधते हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं चाची जी की पिन्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी अपने घर में बनाना। चाची जी ने सारी उम्र हमें पिन्नियाँ खिलाई, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सब किसी को ये पिन्नी बनानी चाहिए, सब घर में बनाना और देखना, जितना प्यार हमें मिला था इस पिन्नी से आपको भी मिलेगा, जितनी खुशी और आंखों में प्रेम हमारे भी आ रहा है आपके भी आएगा। अभी सारा कुछ मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, तो अब सब इकट्ठा हो गया, बहुत धीमी आंच है नीचे, गरम गरम जब तक ये सारा जोड़ेगा फिर हाथ से बांधेंगे। सारा मिक्स हो गया, बस गैस बंद करती हूँ, गैस बंद है, ये हल्का गर्म है अभी, बांधना शुरू करते हैं क्योंकि मौसम ठंडा है, काम करते करते इसमें और ठंडा हो जाना फिर ये जुड़ेगा नहीं।
अगर आपको ये मान लो सूख गया ठंडा जैसे, तो दूध का हाथ लगा लेना, मैं करती हूँ शुरू काम। मुट्ठी वाली इसमें आने चाहिए उंगलियों के निशान, थोड़ा सा यहाँ से प्रेस करा और ये तैयार। मुट्ठियों के निशान उंगलियों के थोड़ा सा दोनों तरफ से प्रेस करा और ये तैयार। मुट्ठी से प्रेस करा दोनों तरफ से तैयार। मुट्ठी में प्रेस, दोनों तरफ से प्रेस, पूरी तैयार।